नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक 2020 के बारे में। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट बिहार पॉलिटेक्निक 2020 के लिए तैयारी में लगे हुए हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, जिससे आपको 2020 में रिजल्ट का गारंटी हो जाए। तो क्या प्लानिंग करके हम लोग तैयारी करेंगे, इस पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आप जो करें, वो इसका सिलेबस पहले पता करें कि जो बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस है वो क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कितना कितना क्वेश्चन आते हैं, कितना कितना मार्क्स का होता है, टाइम कितना होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वो सारा डिटेल आप पता कर लो, सिलेबस के बारे में पता कर लो। तो थोड़ा थोड़ा मैं बता भी दे रहा हूँ। सिलेबस जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होता है, और तीनों जो होता है 30-30 क्वेश्चन होता है। फिजिक्स भी 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री भी 30 क्वेश्चन और मैथ भी 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन होता है। टोटल मार्क्स कितना होता है, तो टोटल मार्क्स 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, यानी 450 मार्क्स का होता है टोटल। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आप 90 में 90 को बना कर आओ, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। तो आपको अगर 2-4-5 भी सही हो गया जो आप नहीं जानते थे, तो 5 सही हो गया तो 25 नंबर का आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बोर्ड में, जैसे झारखंड पॉलिटेक्निक का मैं बात करूं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चे 50-60 जो भी आता है उनको बना के छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, 90 का 90 क्वेश्चन को बना कर आना है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव है, ABCD आपको सिर्फ फिल करके आना है। तो ये हुआ पहला प्लान कि आप सिलेबस आप पता कर लो। तो सिलेबस क्या होता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना भी चुका हूँ, उसको भी आप देख लो। और मैं नया नया भी वीडियो बनाते रहूँगा, सिलेबस पर भी पूरा फोकस करूँगा। तो सिलेबस, दूसरा कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो मैं बता दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। क्वेश्चन कितना, तो 30 क्वेश्चन है, यानी टोटल 90 क्वेश्चन है। टाइम भी, टाइम जो होता है 2 घंटा 15 मिनट के लगभग में आपको टाइम मिलता है। तो टाइम भी अच्छा खासा है, 90 मिनट के लिए 2 घंटा से ज़्यादा क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन के लिए, तो काफ़ी टाइम है। उसके बाद जो है आपको पता कर लेना है कि कितना नंबर लाने से आपको एडमिशन हो सकता है। तो 450 मार्क्स का है 90 क्वेश्चन, तो कितना क्वेश्चन आप बना लोगे तो आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा। तो मैं चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो इसलिए कटअप थोड़ा सा चला जाता है ज़्यादा। लेकिन यदि आप 90 के जगह में 60 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, यानी 300 मार्क्स ला देते हो, तो आपका 100% एडमिशन गारंटी है, एडमिशन आपका पक्का है। मतलब 450 में 300, और ये 300 में बहुत अच्छा रैंक वाले के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे आप 300 क्या 250 के नज़दीक भी ला दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि आप कैटेगरी से हो, SC हो, EBC हो, मतलब कोई कैटेगरी अगर है आपका, तो 200 प्लस में भी एडमिशन हो जाएगा, यदि कैटेगरी वगैरह है तो। ये पिछला साल के मैं हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे उससे पिछला साल तो 160-170 में भी सरकारी एडमिशन हो गया था कैटेगरी वाले को, SC वगैरह वाले को। क्लियर है? तो आप क्या कर लो, कटअप पता कर लो। तो कटअप तो मैं बता दिया, आपको 250 प्लस टारगेट रखना है, मतलब 50 क्वेश्चन आपको सही हो, ये आपको टारगेट कर लेनी है। क्लियर है? उसके बाद आपको टाइम जो होता है
वो 90 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा 15 मिनट है। तो टाइम तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मैथ में आपको टाइम लगता है क्वेश्चन को बनाने में। तो मैथ का तैयारी आपको ऐसे करना है जो क्वेश्चन लगभग देखकर आप सॉल्व कर दो, या ज़्यादा ज़्यादा उसमें 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड आपको टाइम लगे। मतलब एक दो लाइन सॉल्व करो और आपको आंसर निकल जाए। तो इस तरह का मैथ का आपको तैयारी होना चाहिए। और सिलेबस आपको पता ही है, 10th लेवल का ही मेनली होता है। 9 का आपको पढ़ लेना अच्छे से, 10 पढ़ लेना, 8 का भी सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, 11, 12 का भी थोड़ा थोड़ा जानकारी रख लोगे तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अब आप बोलोगे सर मैं 10 का हूँ तो 11, 12 का कैसे जानकारी रख लूँ? तो देखो बाबू, जो 9 में पढ़ना रहता है ना, लगभग वही 11 में भी रहता है पढ़ना, और जो 10th में पढ़ना है वो 12 के लगभग में पढ़ना होता है। तो 9 और 10 अगर हाई लेवल में पढ़ाई कर लो, अच्छे लेवल में, तो आपको नो डाउट एडमिशन एकदम पक्का हो जाएगा। तो पॉलिटेक्निक चूँकि 10th लेवल का ही होता है, तो सिलेबस जो होता है 10th लेवल ही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब्जेक्ट से ही इतना क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर से ही, मतलब ये चैप्टर से इतना क्वेश्चन आएंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। ये फिक्स है कि फिजिक्स से 30 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से 30 रहेंगे और मैथ से 30 रहेंगे। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि फिजिक्स में 30 किस किस चैप्टर से होगा। लेकिन इसके लिए भी मैं हमेशा वीडियो बना के इसका अलग से बता दूंगा कि फिजिक्स में आपको कौन सा चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है, मैथ में क्या। तो उसके लिए मैं सिलेबस का एक नया भी वीडियो बना दूंगा, और पुराना वीडियो भी अवेलेबल है। तो आप उस तरह से तैयारी करो, एकदम नो डाउट आपका 100% सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और मैं एक बात और आप लोगों को बता दूँ कि पूरा बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी मेरा चैनल पे ऑनलाइन कराया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त कराया जाएगा, क्लियर है? तो 2020 का तैयारी जो भी करना चाह रहे हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, पूरा तैयारी हम लोग कराएंगे। तो हमारे YouTube चैनल नयन क्लासेस को इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।